तो बहुत सालों पहले मैं एक ऐसी जगह फंसा जहां ना तो कोई जिंदा था और ना ही तो कोई मेरे आसपास। मेरे आसपास थे सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टेड लोग और ज़ॉम्बीज। मेरी फैमिली भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और अब सिर्फ बचा था मैं। और मुझे उस जगह 100 दिन बिताने थे, पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे कि मैं बन चुका था डीमन किंग। तो डे वन को मैं स्पॉन हो चुका था मेरे ही घर में, और तुम लोग देख ही सकते हो कि इस घर की हाल कितने सही है। भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सभी की सभी चीजें ज़ॉम्बीज़ ने किया है। और लिटरल यार इस वर्ल्ड में ना ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स चल रहा है, उन्होंने सभी के सभी लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है। और गाइस जहां तक मुझे पता है कि इन सभी ज़ॉम्बीज़ को एक मॉब स्पॉन करा है और वो है ज़ॉम्बी गॉड, और मेरा एम यही होने वाला है। और मुझे इन 100 डेज में मारना है उस ज़ॉम्बी गॉड को ताकि ये वर्ल्ड उसके कर से फ्री हो जाए। तो गाइस मैं ना अपने असली घर से बाहर इसलिए आया हूँ क्योंकि देखो यार मुझे चाहिए थी कुछ खाने की चीजें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी खाने के लिए बचा नहीं है। और क्या मैंने तुम्हें बताया कि इस वर्ल्ड में मेरे अलावा एक और प्लेयर है जो कि ज़ॉम्बी वायरस इन्फेक्टेड नहीं है और वो नॉर्मल है, और वो है मेरा दोस्त। तो डे वन को मैं खाना ढूंढ ही रहा था कि इतने में मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ गए थे, और आखिरकार डे वन की रात तक मैं आ चुका था अपने घर वापस। और वहां पर मेरा इंतजार कर रहा था मेरा दोस्त जो कि थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड था, पर उसके अभी कुछ चांसेस थे कि वो वापस नॉर्मल बन सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने अपना आयरन का आर्मर लगाया क्योंकि देखो यार बाहर ना कुछ ज्यादा ही डिफिकल्टी हो चुकी थी और बाहर का माहौल यार काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और जैसे ही मैं नीचे गया, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए? सॉरी मैक्स, वो क्या है ना, जैसे ही मैं बाहर गया मैं ना खाना कलेक्ट कर ही रहा था, पर उतने में मेरे पीछे काफी ज्यादा ज़ॉम्बी आ चुके थे। अगर तुम रोज ऐसे ही करते रहोगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? वो हम बाद में सोचेंगे, पर एक काम करते हैं अभी ना हम सो जाते हैं। तो जैसे ही डिड्डू को मैं सुबह उठा, मैंने देखा गाइस जो मेरा दोस्त था मैक्स वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। और जैसे ही मैंने बाहर देखा वहां पर यार लिटरली काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ चुके थे, और लिटरली मुझे नहीं पता कि इन सभी को मेरी लोकेशन के बारे में पता कैसे चला है। तो मुझे मैक्स की जान कैसे भी करके बचानी थी, तो मैंने मैक्स को बोला देखो मैं ना इनका ध्यान भटकाता हूँ और जैसे ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे तुम बाकी ज़ॉम्बीज को मार लेना। और मैं बाहर गया और वहां पर मैंने देखा कि लिटरली वहां पर ना बहुत से ज़ॉम्बीज आ चुके थे, और वो सभी के सभी काफी खतरनाक और हाई लेवल के ज़ॉम्बीज थे। मैं उनसे बचने की कोशिश कर ही रहा था, पर उतने में ही एक ब्लैक ज़ॉम्बी ने मुझे इन्फेक्ट कर दिया, और उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ और मैं कहां आ चुका था। ओह, ये अभी-अभी क्या हुआ? विज, क्या? ज़ॉम्बी गॉड? तुम सही समझे, और मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ एक डीमन, और अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। और उस डीमन गॉड ने मेरे ऊपर लाइटनिंग को स्पॉन किया और अब मैं फाइनली बन चुका था एक डीमन। और अब मेरा काम सिर्फ यही होने वाला है कि अब जो भी काम मुझे डीमन गॉड देगा या फिर ज़ॉम्बी गॉड, कुछ भी कह लो, मुझे इसे कंप्लीट करना है। और क्या तुम्हें पता है कि जो डीमंस होते हैं वो ज़ॉम्बी से लाख गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और मुझे अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। तो जैसे ही डे 4 को मैं ओवरवर्ल्ड में स्पॉन हुआ, मेरे आसपास थे काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज, और मैंने उन्हें अपनी स्वॉर्ड से ख़त्म कर दिया, और वो भी एक ही शॉट में। और जैसे ही मैं डीमन बना मेरे पास आ चुकी थी बहुत सी अलग अलग पावर्स, और अगर अब मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है तो मुझे बहुत सी सोल्स को कलेक्ट करना है और साथ साथ बहुत सा ब्लड भी। तो मेरे सामने एक अजीब सा प्लेयर था, और वो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं बल्कि एक डीमन स्लेयर था, मतलब कि ये वो लोग होते हैं जो कि डीमन्स को मारते हैं। पर अब मैं बन चुका था बहुत ही हॉरर और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला डीमन। तो मैंने इस डीमन स्लेयर को एक ही शॉट में ख़त्म कर लिया, और अब टाइम था अपना ही एक घर बनाने का। तो डे 7 से डे 10 तक मैंने अपने ही एक नए घर पर काम किया, और मैं अपने घर को बनाने के लिए काफ़ी अलग अलग ब्लॉक्स को कलेक्ट कर रहा था, पर वहाँ पर मुझे मिले बहुत से अजीबोगरीब डीमंस। तो पहले तो मैंने उन्हीं डीमंस को मारा, और उसके बाद मैं आ चुका था एक विलेज में, और कैसे उस विलेज में मुझे मिल चुका था एक बहुत ही पावरफुल डीमन स्लेयर जो कि कुछ अजीब सा दिख रहा था।
पर मैंने इसे अपनी पावर्स की हेल्प से मार दिया। और उसके बाद मैंने बहुत सी माइनिंग की और साथ ही साथ मैंने बहुत सी कोबलस्टोन को कलेक्ट किया और फिर मैंने अपने घर को बनाने का काम भी शुरू कर लिया था। और डे 11 को आखिरकार मेरा घर बनकर बिल्कुल ही रेडी हो चुका था। और जैसे ही मैं सुबह सोकर उठा, मैंने देखा वहां था एक कौवा। मैं कोई नॉर्मल कौवा नहीं, बल्कि मैं हूँ डीमन किंग का कौवा। वो तो ठीक है, पर तुम इधर आए क्यों हो? डीमन किंग ने कहा है तुम जल्दी से जाओ और एक डीमन को मार कर लाओ, क्योंकि अब वो हमें अपनी सोच नहीं दे रहा। ठीक है, मैं भी जाता हूँ और उस डीमन को मार कर आता हूँ। तो मुझे तभी यही बात भी पता चली है कि जो डीमन सोल्स कलेक्ट करता है उसे वो डीमन किंग को देनी पड़ती है, और अगर वो ऐसा कर देनी है तो डीमन किंग उन्हें मार देता है। और अभी ये वाला काम मुझे करना है। तो डे 12 को मैं एक अजीब सी जगह पहुंचा और जैसे ही मैंने सामने देखा, मेरे सामने था एक अंडरग्राउंड बेस। तो जहां तक मुझे लगता है कि यहीं पर मुझे वो डीमन मिलने वाला है। और गाइस, जैसे ही मैं नीचे जाता रहा, वहां पर मुझे मिले बहुत से विलेजर्स के बैट। और जहां तक मुझे लगता है कि उस डीमन ने बहुत से विलेजर्स को किडनैप कर रखा था ताकि वो उसका फूड बन सके। तो यार, पहले तो मैंने उसके इल्यूजन में उस डीमन को ढूंढा और जैसे ही मुझे वो मिला, मुझे पता था तुम आओगे, पर तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुम मुझे मार नहीं पाओगे। हाँ हाँ, वो तो देख लेंगे। और उसके बाद उस डीमन और मेरी बैटल शुरू हो चुकी थी। और कुछ भी बोलो यार, ये वाला डीमन काफी ज्यादा कमाल का था और साथ ही साथ इसके पास बहुत सी अनबिलीवेबल पावर्स भी थी। और साथ ही साथ इसके पास एक एबिलिटी ये थी कि कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता था। और साथ ही साथ यार, इसकी हेल्थ तो काफी कमाल की थी। और जैसे ही मैं इसे मारे जा रहा था और मैंने इस पर अपनी डीमन पावर का यूज भी किया है, पर वो सभी की सभी चीजें काम ही नहीं कर रही थी। और साथ मान लो अगर मैं इसे 32 का डैमेज दे रहा हूँ तो ये उसे डबल अपनी हेल्थ को रीजनरेट कर रहा था। पर आखिरकार लास्ट में जाकर मैंने अपनी फ्लेम वाली पावर का यूज किया और मैंने इसे मार ही दिया। और जैसे ही मैंने इसे मारा, गाइस मुझे मिल चुकी थी इसकी पावर जो कि काफी कमाल की थी। और उसके बाद मैं वापस निकल चुका था अपने घर की तरफ। पर गाइस नीचे ही मुझे मिल चुके थे बहुत से अलग अलग ज़ॉम्बीज, तो मैंने बस मजे के लिए इन्हें मार दिया। और डे 20 को मैं पहुंच चुका था। पर गाइस जैसे ही मैंने नीचे देखा, वहां फिर से था डीमन किंग का कौवा। बहुत बढ़िया डीमन किंग, तुमसे काफी ज्यादा खुश हुए और अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, तो जल्दी से जाओ और डीमन बॉस को मार कर लाओ। तो मुझे अपना अगला कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। और गाइस, क्या तुम्हें पता है कि डीमन किंग ने मेरे लिए एक नई चीज भेज रखी थी? और जैसे ही मैंने उसे पहना, और गाइस मेरे पास आ चुकी थी बहुत सी ओपी पावर्स और मैं पहले से ज्यादा पावरफुल भी हो चुका था। तो मेरा अगला एम यही था कि मुझे मारना है डीमन बॉस को। तो मैं जल्दी से उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा, पर वहां पर गाइस पहले से था एक बहुत ही अजीब सा डीमन। और मैंने उसे पूछा कि आखिरकार डीमन बॉस रहता कहाँ है, और उसने मुझसे कहा कि सामने जाओ और वहीं पर तुम्हें डीमन बॉस भी मिल जाएंगे। और गाइस जैसे ही मैं थोड़े और आगे आगे बढ़ता रहा, पता नहीं अचानक से कहाँ से डीमन बॉस बाहर आ चुके थे। और लिटरली ये ना पूरा का पूरा गोस्ट था, और साथ साथ इसके पास गोस्ट की भी पावर्स रखी थी। और इसकी मैन पावर ये थी कि देखो इस पर ना तुम्हारा कोई भी अटैक काम नहीं करेगा, और साथ ही साथ ये वेदर को भी कंट्रोल कर सकता था। और ऊपर से गाइस इसकी अटैकिंग पावर तो कमाल की थी। पर आखिरकार लास्ट में जाकर मैंने इसे मार ही दिया। और उसके बाद मुझे मिल चुकी थी इसकी एक कर्ज आइटम। तो जैसी मुझे वो मिली, अचानक से पता नहीं कहां से डीमन किंग का क्रो भी यहां पर आ चुका था, और उसने मुझे एक और नया काम दे दिया कि अब मुझे मारना है एक ऐसे डीमन को जो कि गाइस इस वर्ल्ड का सबसे खतरनाक डीमन है। डे 25 को मैं एक ऐसे फॉरेस्ट में पहुंचा जहां पर की पूरा का पूरा डार्क चीजें भरी हुई थी। और मैंने सामने देखा तो मुझे वहां पर मिले डीमन हंटर्स, पर मैं वहां से उड़ गया। और जैसे मैंने सामने देखा, गाइस मुझे मिल चुका था इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल डीमन। पर अचानक से पता नहीं कहां से वहां पर आ चुका था एक नया डीमन, और उसने हम दोनों ही डीमन को कहीं पर टेलीपोर्ट कर दिया। और अब मेरे सामने आ चुका था हैंड डीमन। देखो मुझे मत मारो, मैं तो बस इन विलेजर्स की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया,
पर फिर भी डीमन लोग इन्हें मार देते हैं। और मैं तो तुमसे भी यही कहूंगा कि डीमन किंग को छोड़ो और अब इन विलेजर्स की हेल्प करो। तो गाइस जैसे ही उसने ये सब कुछ कहा, मैंने फैसला कर दिया था, क्योंकि देखो यार वो हैंड डीमन ना बिल्कुल सही बात कर रहा है। और अब मैं अपने घर जाने ही वाला था, पर इतने में ही और मेरे सामने ही स्पॉन हो चुका था डीमन गॉड या फिर ज़ॉम्बी गॉड, कुछ भी बोल लो। और उसके बाद हमारी फाइट भी शुरू हो चुकी थी। और मुझे एक चीज पर तो बिल्कुल भरोसा था कि देखो मैं ना इस ज़ॉम्बी गॉड को कैसे भी करकर मार नहीं सकता, क्योंकि इसके पास मुझसे काफी ओपी पावर्स है। पर मैंने अपनी सभी के सभी पावर्स का यूज किया। और आखिरकार मैंने इसे मार ही दिया। और अब साथ-साथ मैंने इस वर्ल्ड को डीमन से और ज़ॉम्बी से फ्री कर लिया था। और अब यार इस वर्ल्ड में कोई भी डीमन नहीं बचा था और साथ-साथ कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बचा था। पर अचानक से ये मुझे क्या हो रहा है? और उसी के साथ-साथ मेरी भी डेथ हो चुकी थी।